डीएनएस सर्जरी के फायदे, यस व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीएनएस सर्जरी, क्यों हमें डीएनएस सर्जरी करानी चाहिए। दोस्तों डीएनएस के ऑपरेशन के फायदे की बात करते हैं तो बड़ा संक्षिप्त में हमें पहले ये जान लेना है कि ये क्या है ये डीएनएस। दोस्तों डीएनएस है डेविट्री नेजल सेप्टम, जो हमारा गोड ने जो नोज बनाया है, नोज के बीच में एक कैविटी होती है और उस कैविटी में एक पार्टीशन होता है, दैट शुड बी एग्जैक्ट ऑन द मिड लाइन, वो एग्जैक्ट हमारा बीच में होना चाहिए नॉर्मल सेप्टम जो होता है। बट ये बहुत बार क्या है नॉर्मल सेप्टम नहीं होके वो एक तरफ डेविटेड होता है, उसको हम डेविटेड नेजल सेप्टम, वो आपका राइट साइड में भी होता है, वो आपका लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, वो आपका सी सेप भी हो सकता है, वो आपका एस सेप भी होता है। ये बहुत सारी डीएनएस की वैरायटीज हैं और डीएनएस का टाइप होता है। सो दोस्तों जब ये डीएनएस होता है तो जो गॉड ने हमारा जो वर्क बनाया है उसके अंदर उसको प्रॉब्लम होती है, वो सांस से रिलेटेड भी हो सकता है, वो ब्लीडिंग भी हो सकता है, वो हमारा लुक भी हो सकता है, वो हमारा एक रेफर पॉइंट भी बना सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमें सर्जरी की जरूरत होती है। तो इसके फायदे अगर हम बात करते हैं, नंबर वन, अगर हम डीएनएस की सर्जरी कराते हैं तो जो हमारा डीएनएस करेक्ट होता है, वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज। जीने के लिए दोस्तों खाना नहीं चाहिए होता, जीने के लिए चाहिए होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक हेल्दी ब्रीदिंग, एक पैथोलॉजिक ब्रीदिंग। पैथोलॉजिक ब्रीदिंग क्या होता है, आपका नाक का डीएनएस है, नाक में साइनोसाइटिस है, नाक में पॉलिप हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है, नेजल ड्रॉप हम डाल रहे हैं, दिस इज द पैथोलॉजिक ब्रीदिंग। एंड हेल्दी ब्रीदिंग, दोनों नोज से ब्रीदिंग आ रहा है, हेल्दी बिल्कुल आपको पता भी नहीं है। सो फर्स्ट वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज। सेकेंड जस्ट टू प्रिवेंट साइनस प्रॉब्लम। अब वो कैसे होता है, हमारा जो नोज है वो नोज के पास में क्या है, चीक की जो बोन है, ये जो हमारा फ्रंटल बोन है, यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते की जैसे उस बोन में एक स्पेस होता है, दैट वी कॉल द साइनस सिस्टम। सो व्हेनेवर वी ब्रीथ द एंटायर एयर गोज इन द साइनस, दैट मींस जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी जो वातावरण की जो बाहर की हवा जो नाक में गई वो हमारे साइनस में जाती है, वहां एयर का फिल्ट्रेशन होता है, वहां एयर का प्यूरिफिकेशन होता है। अगर आपका टेम्परेचर 50 डिग्री है या लद्दाख में गई जहां माइनस में है तो उसको ह्यूमिडिफिकेशन और नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा साइनस वर्क करता है। जब हमारा नाक के अंदर हमारा डीएनएस होता है तो हमारे साइनस में एयर नहीं जाता, तो वो साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसको हम साइनस प्रॉब्लम या साइनोसाइटिस बोलते हैं। सो डीएनएस करेक्शन से हमारा साइनोसाइटिस और साइनस की प्रॉब्लम से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हमारा डीएनएस के कारण हमारे कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, अब आप बोलोगे कैरियर में प्रॉब्लम कैसे आती है। दोस्तों आजकल जब जहां पे भी नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, बीएसएफ में, रेलवे में, पायलट्स में, सब जगह हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, दे नीड ए हेल्दी नोज, जिससे आप जब आपको जो है एक्सरसाइज करते हो, वर्क करते हो तो बराबर ब्रीदिंग आती है। तो डीएनएस के कारण आपको एक रेफर पॉइंट बना दिया जाता है, तो उसमें जो आपका कैरियर है जहां पे आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगर आपको उसमें डीएनएस डायग्नोसिस हुआ है और अगर आपका ऐसा है कि मेरे बच्चे को आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या अगर आप खुद स्टूडेंट है, आप ये रियलाइज कर रहे हो, तो आपको उसका करेक्शन कराने के बाद में आपको वहां पे जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता। सो दिस इज द थर्ड एडवांटेज। नाउ फोर्थ एडवांटेज, दोस्तों बहुत बार क्या होता है जाने अनजाने में क्रिकेट बॉल इंजरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, फाइटिंग के कारण, ट्रॉमा के कारण, जब नाक का जब डीएनएस होता है और उस डीएनएस के कारण हमारा नोज डेविटेड होता है, जो हमारा लुकिंग में भी डेविटेड लगता है, क्रूकड होता है, उस पे सी शेप होता है, एस शेप होता है, हमारा नाक का टिप एक तरफ जा रहा होता है। दोस्तों जब ऐसा किसी का नोज होता है, वी लॉस्ट आवर कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम फोटो क्लिक करते हैं भी तो हमें मन में एक ग्लानी फील होती है, मेरा नाक सीधा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं है नोज। सो अगर आप डीएनएस करेक्शन को कराते हो तो उस टाइम पे सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से योर नोज शुड बी एग्जैक्ट स्ट्रेट, हमारे नाक को बिल्कुल सीधा बना सकते हैं, जिससे आपको जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो, आपका जो है एक हेल्दी ब्रीदिंग हो, क्योंकि हमें जो है ब्लॉकेज फ्री नोज मिलेगा। बहुत बार नोज के अंदर एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग आता है, उस प्रॉब्लम से हमारे को राहत मिलती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दोस्तों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और एडवांटेज है, बहुत बार डीएनएस के कारण जब हमारे नाक से ब्रीदिंग नहीं होती है तो गॉड ने हमारी बॉडी बड़े सोच समझ के बनाई है कि जब हमारा नोज से ब्रीदिंग नहीं होता, हमें माउथ ब्रीदिंग होती है, तो उससे कैवी स्टार्ट द स्नोरिंग, खर्राटे आते हैं,
आपको जब खर्राटे आते हैं, आपके साथ कोई सोना पसंद नहीं करता, फैमिली में आपसे परेशान होते हैं, हमारे हार्ट पे भी इफेक्ट होते हैं। सो जब हम डीएनएस के करेक्शन को कराते हैं तो हमारी स्नोरिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। सो देखा आपने कितने सारे एडवांटेज हैं आपको उसको कराने से, हमारी अपीयरेंस ठीक हो रही है, हमारा ब्रीदिंग ठीक हो रहा है, हमारी साइनस प्रॉब्लम से हमें आराम मिल रहा है, हमारी स्नोरिंग प्रॉब्लम ठीक हो रही है, हमारी ब्लीडिंग जो है नोज की ठीक हो रही है, एंड वी हैव ए हेल्दी नोज। सो दोस्तों अगर आपको डीएनएस है, जस्ट यू मेंशन थिंग, सोचो एंड उसको ठीक कराने से हमें इतने सारे एडवांटेज है। सो रियली दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ द डीएनएस इज वेरी यूजफुल। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द डीएनएस प्रॉब्लम। थैंक यू।